गुड मॉर्निंग टुडे विल स्टडी ओके टुडे विल स्टडी विद योर मैरीगोल्ड बुक ओके सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड यस मैम कौन सा पेज नंबर मैरीगोल्ड बुक Page number 60 and 61. Open page number 60. Okay, shall I start to teach? Shall I start to read out the poem? Okay, ma'am. Yes, ma'am. This is the poem, Why. The title of the poem is Why. And this is the poem about the boy who keeps on asking questions. जो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट दैट बॉय ओके आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय क्यूरियस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियस क्यूरियस मींस हु वांट्स टू नो एवरीथिंग वेरी एक्साइटेड पर्सन पेज नंबर 16 क्यूरियस अ पर्सन हु इज एगर टू नो रीजन बिहाइंड एवरीथिंग किसी चीज को जानने के लिए हमेशा तैयार है Who is always asking why? मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को जानती हूँ या छोटे लड़के को जानती हूँ जो हमेशा एक क्वेश्चन करता है why? Why means क्यों? What is the meaning of why? Why means क्यों? Why this? Why that? Why then? मैं पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 16. मैम EBS What? Ma'am, EBS? What EBS? Ma'am, EBS ki book, ma'am, English. Do I teach EBS? Don't you know that what I am subject teacher is? Don't you know? Which subject do I teach you? मैं कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाती हूँ अभी तक पता नहीं चला आपको English. Why would I ask you to open EBS book if I teach English? Okay. I know a curious little boy who is always asking why. मैं एक ऐसे छोटे लड़के को जानती हूँ जो हमेशा ही पूछता रहता है क्यों? Why this? Why that? ऐसा क्यों? वैसा क्यों? Why then? Why now? तब क्यों? अब क्यों? He always continues asking this. Why not? Why? ऐसा क्यों? Why? ये क्यों? वो क्यों? अब क्यों? तब क्यों? ऐसा क्यों नहीं? लगातार क्यों? 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 ऐसा वो पूछता है. He wants to know why wood should swim. Wood means लकड़ी. वो ये जानना चाहता है कि हमेशा लकड़ी पानी में तैरती क्यों है? Why lead and marble sink? पत्थर शीशा ये सब चीजें पानी में डूब क्यों जाती हैं? Why sun should shine and wind should blow? वो पूछता है कि सूरज क्यों चमकना चाहिए? Why sun is so brightening? सूरज इतना चमकदार क्यों है? हवा क्यों बहती है? And why eat and drink? और हम क्यों खाते हैं क्यों पीते हैं? Okay? He asks these kinds of questions always. He wants to know what makes the cloud. वो ये जानना चाहता है कि बादल किससे बनते हैं, किस तरीके से बादल बनते हैं, and why they cross the sky. और वो sky को cross क्यों करते हैं? He wants to know what makes the clouds. वो ये जानना चाहता है कि किस चीजों से बादल बनते हैं Why they cross the sky? वो स्काई को क्यों क्रॉस करते हैं स्काई पे क्यों तैरते रहते हैं Why sinks the sun behind? Why sinks the sun behind the hills? और जब सूरज डूबता है तो वो पहाड़ियों के पीछे क्यों छुप जाता है
why the flowers die, फूल क्यों मुरझा जाते हैं, some of these why are not too hard, उसके कुछ क्वेश्चन तो इतने कठिन नहीं होते हैं, to answer if you will try, उसके बहुत सारे why इतने मुश्किल नहीं है कि आप आंसर ना दे सके, others no one ever yet has found the reason why, लेकिन कुछ ऐसे why है जिसका अभी भी कोई रीजन नहीं पता, जिसका कोई रीजन पता ही नहीं चलता, क्लियर मीन्स उसके कुछ क्वेश्चन तो इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं जिसका रीजन अभी नहीं पता, क्लियर एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट, यस मैम, यस मैम, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क, नो मैम, आर यू ऑल क्लियर विद द कांसेप्ट, यस यस मैम, मैम मुझे क्वेश्चन है, व्हाट मैम सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का मतलब होता है तैरना, sorry डूबना, sorry go to the surface of water, डूबना, okay, और okay? मैम लीड का लेड जो मार होता है ना, ग्लास ग्लास लेड शीशा, okay, name a few things, now come to the page number 62. मैम नाउ का मतलब क्या होता है, अब अभी अब, ओके, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक, कुछ ऐसी चीजें बताइए जो पानी में डूब जाती है, सिंक मींस गो टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के तह तक चले जाना, लटक रही है मैम, इट्स डन, आयरन स्टोन लेड मार्बल, ओके, ऑल दीज थिंग्स दैट सिंक ऑन सिंक इन द वॉटर, लिस्ट थ्री क्वेश्चंस दैट लिटिल बॉय आस्क, ऐसे थ्री क्वेश्चन बताइए जो वो बच्चा हमेशा पूछता रहता है, टेल मी थ्री क्वेश्चन that little boy asked, Let me tell you. First, let me tell you, please be quiet. Why do wood swim and marble sing? Why? That boy asked the question. Why do wood swim and marble sing? Okay? Next question that he used to ask. What makes the clouds? Badal kisse bante? Third, why do we eat and drink? Why do we eat and drink? Okay, these three questions. These are the example of three questions that was asked. What sort of boy is described in the poem? Poem में वो जो boy है वो किस तरीके का nature है इसका? Sad, furious or brave? Curious. Because he wants to know everything's reason. Okay, वो हर चीज का कारण जानना चाहता है. So he is very curious boy. Now let's stop. Leave this exercise. Now come to word building. Word building. I will send the picture of answers also. So if you want to understand, you just do consider. Fill in the blanks with the words from the poem which rhyme with the colored words in a sentence. Okay? We have to choose some words from the poem that should be rhyming word with the colored words. जो इसमें color के साथ word लिखे हुए हैं, like why, no, found, sing. We have to find the rhyming words. जो इनसे मिलते जुलते. Do you know what are rhyming words? That sound same. जो एक जैसे सुनाई देते हैं बोलने में. Like why is the sky? Sky. Very good. Why is the sky so high? Okay, because sky is matching word of why. Do you know the color of? Do you know the color of? Ma'am, no. No. Ma'am, no. आपने आंसर देख लिया और बता दिया, आंसर कभी कभी गलत भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में. डू यू नो द कलर ऑफ नो स्नो, द कलर ऑफ स्नो, ओके, डू यू नो द कलर ऑफ स्नो, स्नो एंड नो,
Have you found who made the cloud? Cloud. Have you found who made the cloud? Put the glass in the sink after you finish your drink. Jaise hi aap drink finish kar lo, sink mein glass. Clear? Okay. Yes, now next question. The spellings of these words are jumbled. Okay, we have to rearrange the words, make a proper spelling, and then we have to use that word to make to form a proper sentence. ठीक है? जो unjumbled उनको unjumbled करके हमको सही तरीके से लगा के एक word बनाना है और फिर word को use करना है. Like first is WOKN. This is the spelling of no. हम sentence क्या बनाएंगे? I know him very well. मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. वहां हमने क्या यूज किया? नो. क्लियर? और भी बना सकते हैं. यस, यू कैन फॉर्म बाय योर ओन. नेक्स्ट स्पेलिंग इज स्विम. Swim. And we can form a sentence. I cannot swim. Sentence क्या लिखेंगे? I cannot swim. Why? I can swim very well. Okay. Next is lead. I have a lead pencil. I have a lead pencil. Okay. Lead is a heavy metal. Now, next is marble. Marble. Please give me some marbles. We can form a sentence. Please give me some marbles. Now next is hills. My house is on the hills. We can write the sentence related to the word. My house is behind the hill or on the hill. Okay. My house is on the hills. Clear? I will send the picture. Okay. Now next. Discuss and write. Why do cats and dogs fight? Why do the dogs and cats fight? Dogs are not friendly to cats. Whenever they mad, they start fighting because dogs make. In a very simple language, you can understand or you can tell. Dogs and cats fight because they don't like each other. They एक दूसरे को पसंद नहीं करते. They hate each other. They don't like each other. That's why they keep on fighting. वो लड़ाई करते हैं. Cats and dogs fight because they do not like each other. Okay? Clear? Dog or not friendly neighbor. Clear हो गया सबको? Yes, question is, why do we walk across the road not run? हम सड़क के किनारे किनारे चलते क्यों, दौड़ते क्यों? We don't run but walk across the road. We avoid We walk across the road not to run to avoid an accident. क्या सबने क्या है? अगर हम दौड़ेंगे सड़क से तो हमारा वी कैन मीट विद एन एक्सीडेंट. ओके, इफ वी रन ऑन द रोड वी कैन मीट विद एन एक्सीडेंट. दैट्स व्हाई वी डोंट रन ऑन द रोड. वी वॉक अक्रॉस द रोड. वी डोंट रन टू अवॉइड एन एक्सीडेंट. ओके, क्लियर? यस मैम. और हमें रोड में फुटपाथ में चलना चाहिए. Now next is, why do people like ice cream? People like ice cream because they feel excited to eat such a cold sweet. People like ice cream because it is sweet and cool. ये मीठी और ठंडी होती, that's why people like to have ice cream in summers. Okay? It is sweet thing, but sweet and cool. Okay. Write down at least two questions using why. Why word का use करके you have to form at least two questions. आपको दो questions. Why are you crying so loudly? Yes, very good. Why are you crying so loudly? You can form a number of questions. Why do you speak so rudely? Wait. What Abhi? Ma'am, why did you eat your lunch?
Why do you speak loudly, ma'am? Why are you speaking so loudly? Why do you walk so speedily? Okay. Why the ants are so small? Why the sun is behind the hills? Okay. So many questions you can form with why. Okay. Why the sun is so round? Surya itna gol hai. Okay. So this way you can form many questions. Clear? Okay, now next, the man in an onion bed. A man onion bed. I met a man in an onion bed. Main onion bed, matlab pyaaz ke bed par ek aadmi se mila. He was crying so hard, his eyes were red. Wo itna ro raha tha ki uski aankhein kaisi thi? Red color ki. Lal ho gayi. And the tears rolled off end of his nose. Aur uske jo tears the aansu the, wo uski naak ke niche tak beh rahe the. As he ate his way down the onion rows, he ate and he cried. Can you listen to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, jab tak lesson padha rahi hai, tab tak mute kar dijiye. No, ma'am.